हेलो गाइज, सीजन 2 की कहानी बिल्कुल अलग है और आपको सीजन 1 देखने की ज़रूरत नहीं है। सीजन 2 की स्टोरी इसके पार्ट 1 से बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप फिर भी इसका सीजन 1 देखना चाहते हो तो उसकी भी स्टोरी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है सुमित और सोफिया से। इन दोनों का आपस में काफ़ी ज़्यादा प्यार होने की वजह से ये काम वासना के रोगी भी है। ये स्कूल के टाइम में भी वो खुद काम करना चालू करते हैं, पर आज इनका पूरा काम ज्योति मैम की वजह से बिगड़ जाता है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनों बस में जाकर सबसे पीछे वाले सीट पर बैठ जाते हैं, जहां पर सुमित सोफिया की तड़प मिटाने के लिए चलती बस में ही उसके कुएं से पानी निकालने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद सोफिया का घर आ जाता है, वो बस से उतर कर अपने घर में चली जाती है। अब एक एक करके सभी लोग अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं, जहाँ पर अब सिर्फ ज्योति मैम और सुमित बचते हैं। फिर ज्योति मैम का भी स्टॉप आ जाता है, वो भी उतर कर चली जाती है। फिर रात वाले सीन में सुमित और सोफिया दोनों फ़ोन पर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर ये दोनों बड़ी रोमांस भरी बातें करने लगते हैं। फिर सोफिया सुमित को कल लाइब्रेरी में मिलने के लिए कहती है। अब ये दोनों वहाँ क्या घुल खिलाएंगे ये तो देखने वाली बात है। फिर अगले दिन सोफिया लाइब्रेरी में आती है तो सुमित चुपचाप उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर क्या, दोनों पिछवाड़े में जाकर एक दूसरे को चूमने लगते हैं और फिर सुमित से रहा नहीं जाता तो वो खड़े खड़े ही सोफिया को पेलने लगता है। अब इन दोनों का शुरू ही हुआ था कि तभी वहाँ ज्योति आती है और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। ज्योति दोनों को बहुत डांटने लगती है, दोनों डर की वजह से अपना मुंह छुपाने लगते हैं। फिर ज्योति दोनों को अपने क्लास में जाके बैठने के लिए कहती है। उनके जाते ही ज्योति किसी सर को फ़ोन करके लाइब्रेरी में आने के लिए कहती है, मतलब कि ज्योति भी किसी के साथ टुकाई करना चाहती है। अब वो तो नहीं दिखाया गया है कि आखिर ज्योति का मांजरा क्या है। अगले सीन में तो सीधा बस दिखाया गया है, जहां पर ज्योति सोफिया को सुमित से दूर बैठने के लिए कहती है। ज्योति सोफिया को अपने पास बुलाती है, पर सुमित और सूरज की एक दूसरे से बनती नहीं, दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तो ज्योति सुमित को अपने पास बुलाती है और सोफिया को सूरज के पास भेज देती है। अब बस में जाते समय सुमित ज्योति मैम से कहता है कि क्या आपको सच में अपने स्कूल लाइफ के टाइम इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था और क्या सच में आपने अभी तक किसी के साथ नहीं किया। तो ज्योति उसके बातों को नज़रअंदाज करती है। फिर अगले दिन ज्योति को सुमित की कही हुई बातें सताने लगती है, तो वो ये सारी बातें अपने फ्रेंड प्रिया को बताती है। तो वो कहती है कि हाँ यार, सच में हमने वो मिस कर दिया, पर अभी भी टाइम है, हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ज्योति को स्कूल के बुड्ढों के साथ नहीं करना है। तो प्रिया कहती है कि हम स्कूल के लड़कों के साथ कर सकते हैं ना, मैं ना कल गगन नाम के लड़के के साथ डेट पर गई थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और कल जो कुछ भी हुआ ना वो तो पूछे मत। प्रिया की ये बातें ज्योति को अच्छी लगती है। अब वो अपना जुगाड़ किसके साथ लगवाएगी ये आपको थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद सुमित ज्योति के पास आकर बैठता है, लेकिन इस बार सुमित के पास बैठने से ज्योति को कुछ कुछ होने लगता है, जिसके बाद वो सुमित के खिलौने को बैठे बैठे ही हिलाने लगती है। ज्योति चलती बस में ही सुमित का तोता खड़ा कर देती है। इस बार तो इनका ज़्यादा कुछ होता नहीं, पर अगली बार पक्का बहुत कुछ होगा। फिर रात को सोफिया सुमित को फ़ोन करने लगती है, पर बेचारा सुमित तो ज्योति मैम के ही अदाओं की वजह से उनके ही ख्यालों में खोने लगता है और मूड भी मारने लगता है, जिसके कारण वो सोफिया का फ़ोन तक नहीं उठाता। अब हर दिन सुबह हो या शाम, दोपहर हो या रात, सुमित तो बस ज्योति मैम के ही सपने देखने लगता है। अब उसे एक पल भी रहा नहीं जाता, अब वो कुछ भी करके ज्योति मैम की सील तोड़ना चाहता है। पर इसका एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब इसके अगले एपिसोड में क्या होगा ये आपको आगे ही पता चलेगा, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। अब सुमित अपनी नज़रें सिर्फ ज्योति मैम पर ही टिकाए बैठता है, चाहे वो स्कूल में हो या बस में, जहाँ पर भी चांस मिलता है वो वहीं पर ज्योति की सेवा करने लगता है। यहाँ तक कि वो दिन रात ज्योति मैम की तस्वीरें देखकर उनकी पप्पियाँ लेने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद सुमित ज्योति के लिए चॉकलेट लेकर आता है और उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद पहले की तरह ही सभी अपने अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और एक एक करके अपने स्टॉप पर उतर भी जाते हैं और आखिर में ज्योति और सुमित बच जाते हैं। इस बार लक सुमित का होता है, क्योंकि इनकी गाड़ी बीच रास्ते में पंचर हो जाती है। ड्राइवर नीचे उतरकर पंचर को रिपेयर करने की कोशिश करता है, तभी ये दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। फिर ड्राइवर किसी नज़दीक के दुकान में जाकर पंचर वाले को लेकर आने की बात करता है, तो इन दोनों को अच्छा मौका मिल जाता है गपागप करने का। अब ये दोनों ये वाला चांस तो छोड़ने वाले नहीं है। अब ड्राइवर के जाते ही ज्योति बिना टाइम वेस्ट किए अपनी चरम सुख
प्राप्ति के लिए रेडी हो जाती है। फिर क्या, सुमित खड़े खड़े ही ज्योति मैम की टुकाई करने लगता है, जिससे कि ज्योति को बहुत ही अच्छा प्लेजर मिलता है। अब इस बार करने के बाद दोनों करे बगैर रह नहीं पाते, जिसके अगले दिन संभोग की तड़प में सुमित ज्योति को ढूंढते हुए उनके पास जाता है और फिर दोनों फिर से बिना टाइम वेस्ट किए ऑफिस में ही घपाघप करने लगते हैं। इनका चालू ही हुआ था कि तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है, तो इन दोनों को घबराहट के मारे पसीने छूटने लगते हैं। प्रिंसिपल अपने कैबिन में सुमित को देखकर चौंक जाता है, तो ज्योति इसे कुछ डाउट्स थे ये कहकर उनको बहलाने लगती है। फिर प्रिंसिपल सुमित को अपने क्लास में जाकर बैठने के लिए कहता है और उसके जाते ही प्रिंसिपल भी ज्योति के साथ रोमांस करने लगता है, मतलब कि ज्योति ने अपने अरमान पूरे करने के लिए पहले से ही जुगाड़ लगवाए हैं और इस खेल का हिस्सा यह प्रिंसिपल भी है। पर यहाँ पर सूरज बाहर खिड़की से प्रिंसिपल और ज्योति मैम का प्यार भरा वाला सीन अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। अब सूरज इस वीडियो के जरिए क्या कुछ करेगा ये तो आपको सीजन 2 में ही पता चलेगा। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद सूरज सुमित की जगह पर जाकर बैठ जाता है, तो ज्योति उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, तो सूरज ज्योति को वो वीडियो दिखाकर उनकी बोलती बंद कर देता है। अब ना चाहते हुए भी ज्योति को अब वो सब करना पड़ेगा जो सूरज चाहता है। अब ज्योति मैम के कहने पर सुमित को पीछे जाकर बैठना ही पड़ता है, तो सोफिया सुमित से अपना मुंह छुपाकर उसे इग्नोर करने लगती है। अब सूरज उस वीडियो के जरिए ज्योति के साथ क्या करेगा और सुमित अब अपना बिछड़ा हुआ प्यार पाने के लिए क्या कुछ तरीके अपनाएगा, आपको अब इनके सारे जवाब इसके सीजन 3 में ही पता चलेंगे, क्योंकि सीजन 2 की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको इस वेब सीरीज में आलिया नाज और आयशा कपूर लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और इसका सीजन 1 भी रिलीज हो चुका है और उसकी भी स्टोरी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए और मेरे चैनल पर उस वीडियो को देखिए। इस वेब सीरीज की कहानी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और आपको इस वेब सीरीज़ में एंटरटेनिंग वाले सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। आपको ये वेब सीरीज प्राइम शॉट के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिलेगी, सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ को देख लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और साथ ही में जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Thanks for watching this video.